नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, आज का अपना अंतिम टॉप जो पार्ट है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जैसे जो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 8 की संसाधन एवं विकास उससे संबंधित ये पार्ट अंतिम है। और ध्यान रहे, पूरी किताब पूरी होने जा रही है, ये अंतिम पार्ट है, ये छठा पार्ट है। इस कक्षा 8 में बहुत सारे जीके के क्वेश्चन निकलते थे और कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, अगर इनको याद कर लिया तो उनके अच्छे नंबर बनेंगे। साथ में कंपटीशन भर्ती वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से प्रश्न आते हैं, कक्षा 8 की बाकी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है अमेरिका में ग्रेट लेक्स क्या है। ग्रेट लेक्स का मतलब महान झील, ग्रेट माने महान, लेक्स माने झील, महान झील कौन कौन सी है। देखिए महान झील है, एक तो सुपीरियर झील है, सबसे पहले बात करूं मैं तो ये है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बारे में बार बार प्रश्न आता है, ये है कहाँ, तो अमेरिका में है भाई, अमेरिका में पूछा है ना, सीधी सी बात है, ये विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील। ध्यान रहे, सुपीरियर झील ताज़ा पानी के बजाय आप मीठा पानी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं है, मीठा पानी ताज़ा पानी एक ही बात है, यानी ये खारा पानी नहीं है, मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील है। उसके अलावा ह्यूरन है, ईरी है, ह्यूरन नंबर 3 पर है, ईरी, ठीक, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, मिशिगन और ओंटारियो, ये 5 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। इन पांचों झीलों को महान झील नाम दिया गया है, ग्रेट लेक्स कहां की, अमेरिका की। पूछने आपसे सुपीरियर झील तो बार बार प्रश्न पूछते हैं, सुपीरियर झील का तो याद रखना ही है भाई, तो अमेरिका में, और ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि भाई ग्रेट लेक्स है, अमेरिका के ग्रेट लेक्स में कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, मिशिगन, या इसमें 3 दे दें भाई, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन और विक्टोरिया। तो इस प्रकार से आप उसको अलग कर सकते हो, विक्टोरिया झील है वो, ध्यान रहे, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा अमेरिका का ग्रेट लेक्स। बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है विश्व में, सबसे प्राचीन उद्योग, ध्यान रहे यही है, सबसे प्राचीन उद्योग। कई बार पूछ लेते हैं सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो बताएंगे सूती वस्त्र उद्योग। इसमें आवश्यकता किसकी होती है, रेशा की आवश्यकता होती है, बिना रेशा के, रेशे की जरूरत होती है, रेशे से क्या होता है, कपड़ा बनता है। ये रेशा है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा। ये यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि कृत्रिम रेशम कौन सा है, प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्राकृतिक रेशा कौन कौन सा है और कृत्रिम रेशा कौन कौन सा, ये बार बार प्रश्न पूछते हैं तो इसको याद रखना है। देखिए बात करते हैं नंबर 1, कपास का नाम सुना आपने, कपास क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने कपास का पौधा बनाया है, उससे जो रेशा निकलता है उससे हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनते हैं, तो क्या हो गया, कपास, क्लियर हो गया। इसके अलावा ऊन का नाम सुना, ऊन है भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है, वो बनाई नहीं जाती, वो भी प्राकृतिक रेशा, जो बनाई नहीं जाती, मानव जो बनाता है केमिकल से। हाँ बेटा, झंडो लग गए बेटा, उतारेंगे अब इसको शाम को थोड़ी देर बाद में। तो प्राकृतिक रेशा है वो कपास है, ऊन है, देखो एक सिल्क है। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर, यानी कहने का अर्थ ये मानव द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, प्रकृति से अपने आप ऐसे, चाहे वो जानवरों से बने, चाहे खरगोश, भेड़, बकरी, किसी से, या फिर पौधों से जो रेशा प्राप्त होता है वो होता है प्राकृतिक रेशा। तो कपास, ऊन, सिल्क, जूट, हाँ बेटा जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, हाँ हाँ है, ठीक है ठीक। लिनन, लिनन का कपड़ा खूब सुना होगा आपने, लिनन बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार आपने, खैर ये तो सुने होंगे लेकिन लिनन नहीं सुना होगा, लिनन भी क्या है, प्राकृतिक रेशा है। इसके बाद में कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा वो जो मानव ने बनाया है, अर्थात वो विज्ञान का प्रयोग करके, केमिकल का प्रयोग करके और वो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशा। इसमें कौन कौन से, एक तो नाइलॉन है, कौन सा है,
नाइलॉन, पॉलिस्टर, नाम सुना होगा आपने। ये कई बार ये नाइलॉन पॉलिस्टर ये नहीं बोलते, करते नहीं ऐसा होता, वो शरीर के लिए खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में है रेयान है, एक्रिलिक है। अब देखिए यहीं से प्रश्न बना देते हैं अपने। ये प्रश्न क्या आता है, ये ऐसे आता है प्रश्न कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपके कंपटीशन में, ऐसे प्रश्न तो आते हैं कौन सा रेसा प्राकृतिक नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। देखो प्राकृतिक नहीं है अर्थात वो मानव निर्मित होना चाहिए, प्राकृतिक नहीं है तो कौन सा है वो, कृत्रिम है। सीधी सी बात है, ऑप्शन में देख लेना, प्राकृतिक नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, नंबर एक पहला कपास, कपास क्या है प्राकृतिक रेशा है, सही है। बी ऑप्शन में देखते हैं जूट, जूट भी है देखिए प्राकृतिक रेशा। सी इसमें आ गया मान लीजिए लिनन, लिनन भी है, लिनन पहली बार सुना आपने। फिर डी आ गया इसमें रेयान आ गया, या मान लीजिए पॉलिस्टर, नाइलॉन एक भी देते, मान लो कोई भी नाइलॉन दे देते, नाइलॉन कौन सा प्राकृतिक रेशा, कौन सा रेशा प्राकृतिक नहीं है। तो ये प्राकृतिक है, कपास है, जूट है, लिनन है, नाइलॉन प्राकृतिक नहीं है, ये क्या है कृत्रिम है, देखिए कृत्रिम, ठीक है नाइलॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ बेटा नहीं ऐसे नहीं, कौन सा रेशा यहाँ प्राकृतिक की बजाय ऐसे कर दे, कौन सा रेशा मानव निर्मित है। हाँ बेटा रुक रहे हैं थोड़ी देर, तो कौन सा रेशा मानव निर्मित, कपास, जूट, लिनन, ये मानव ने नहीं बनाया, मानव ने क्या बनाया नाइलॉन, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है ना। ऐसे भी आ सकता है कौन सा रेशा कृत्रिम है, तो कृत्रिम भी कौन सा है, कृत्रिम रेशा नाइलॉन। इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं भाई, ये है अपने कक्षा आठ में तो ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई वस्त्र उद्योग में किसकी आवश्यकता होती है रेशा की, रेशा कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो कक्षा आठ का बच्चा तो ये तो करेगा ना, प्राकृतिक रेशा उसके आगे लिखेगा कि ये मानव निर्मित नहीं होता है, प्रकृति ने दिया है, कपास, ऊन, सिल्क, जूट, लिनन। और यही दूसरे पर नंबर दो पर लिखा कृत्रिम रेशा मानव निर्मित रेशा होते हैं, मानव द्वारा केमिकल का प्रयोग करके बनाया गया, तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, इस प्रकार से उदाहरण देगा। अब इन्हीं में से क्या होता है कंपटीशन में प्रश्न बना देते हैं उल्टे फुलटे, ये जीके के प्रश्न बन गए और क्या है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा आपको रेशे की बात। और विश्व में सबसे प्राचीन उद्योग मैंने बता ही दिया आपको सूती वस्त्र उद्योग है। इसके बाद में आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं, ये उद्योग की बात आ गई तो मैं बात करता हूँ औद्योगिक क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति बार बार आता है, औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति पूछे हैं ये कब शुरू हुई थी, तो बताना आपको 1800 कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी, 18वीं शताब्दी मतलब कहें तो 18वीं शताब्दी है उसके अंतिम चरण में, कहें 1760 के बाद में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ से हुई ये भी पूछ लेते हैं, तो ब्रिटेन से शुरू हुई, ब्रिटेन, ब्रिटेन किसको कहते हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड को कहते हैं जिसकी राजधानी लंदन है, बार बार पूछते हैं ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है, लंदन, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी कौन सी होगी, लंदन होगी, लिख देता हूँ थोड़ी छोटी बातें अगर आप याद करें हम तो ये राजधानी याद हो जाएगी लंदन, समझ में आ गया। बोलते भी थे पहले कि लंदन जाओ भाई, तो लंदन बहुत दूर है, ऐसे आसान नहीं है, लंदन वाले यहाँ आ गए शासन करके चले गए, आज के दिन लंदन वाले वापस गए थे 15 अगस्त 1947 को, आज 15 अगस्त 2020 हो रखा है, हाँ
औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे आगे कि भारत में हाथ से कते बुने वस्त्रों की बात करते हैं। भारत में पहले वस्त्र बनते थे बहुत गजब के बनते थे। भारतीय प्रसिद्ध वस्त्र बात कर लेते हैं, कौन कौन से वस्त्र हैं देखते हैं। कई बार पूछा जाता है मलमल, मलमल का कपड़ा आता बहुत चिकना आता एकदम शानदार फाइन पूरी तरह। जैसे कई बार एक छोटा सा जीव आता है जिसको हमारे इधर सिकवटी तीज बोलते हैं, उसकी जो ऊन होती है ना वैसे मलमल जैसी लगती है। कि मलमल क्या है, तो मलमल है ये कपड़ा है और ये ढाका है ना, ढाका का प्रसिद्ध था। ढाका पहले हिंदुस्तान में था, ढाका ध्यान रहे वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी। हाँ बेटा, अरे मास्क मत लगा बेटा, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बाद में लगाना बात है। बांग्लादेश की राजधानी ध्यान रहे, ये राजधानी है बांग्लादेश की ढाका। ये कई बार पूछा जा चुका है मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा छींट, छींट छींट है ये है मछलीपट्टनम का, आजकल मसूलीपट्टनम नाम हो गया, मसूलीपट्टनम। तमिलनाडु में है ध्यान रहे मसूलीपट्टनम। अगला है नंबर तीन कैलिको, कैलिको केरल में है, मछलीपट्टनम तमिलनाडु में। ध्यान रहे ये बात करूं मैं केरल की, किसकी, कैलिको की। तो केरल की बात करूं तो मैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कैलिको बता देता हूं आपको। ये यहाँ केरल है और यहाँ केरल में कालीकट का नाम सुना होगा आपने। कालीकट एक बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह था, और कालीकट बंदरगाह यहाँ पर केरल में। वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, 1498 में पुर्तगाल से भारत आया, पहली बार कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ का शासक था जेमोरिन, जेमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था। अर्थात भारत की खोज किसने की थी, बार बार आता भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था ध्यान रहे। और इसकी ये कब आया था, 1498 ईस्वी में, 1498 में भारत की खोज की थी किसने, वास्को डी गामा। तो ये केरल कालीकट समझ में आ गया होगा आपको। आगे की बात करता हूँ, एक और बेटा साइड में हो, सुनहरी जरी, सुनहरी मतलब सोने के कलर की जरी को काम होता है। ये सूरत और बड़ौदा की प्रसिद्ध है, सूरत और बड़ौदा, सूरत और बड़ौदा है कहाँ, सूरत यहाँ गुजरात में भाई, और बड़ौदा भी गुजरात में है ध्यान रहे। सूरत और बड़ौदा दोनों गुजरात में। तो ये भारतीय प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग है, तो बार बार पूछते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो भी चलते चलते बता देते हैं हमने। पेन दिला दो, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग, तो ध्यान रहे देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कलकत्ता में स्थापित हुआ था फोर्ट ग्लेस्टर में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फोर्ट ग्लेस्टर वाला क्या नहीं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 1818 में ये स्थापित हुआ था फोर्ट ग्लेस्टर में। कहां पर है ये, कलकत्ता में। कलकत्ता है कहाँ, कलकत्ता यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी बंगाल ये राज्य है, इसकी राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। ये मैप के द्वारा याद रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया, कुछ समय बाद बंद हो गया, यानी कि कामयाब नहीं हो पाया। तो देश का प्रथम सफल पूछें,
देश का प्रथम सफल वस्त्र उद्योग, तो ये ध्यान रहे मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ? मुंबई में। कवासजी डाबर है, ये डाबर का नाम सुना होगा आपने, कवासजी डाबर, डाबर कंपनी, तो उसने स्थापित किया था 1854 में। पहली बार ये सफल उद्योग स्थापित हुआ था और ये सबसे बड़ा भी है, ध्यान रहे। तो 1854 में, हाँ बेटा, कवासजी डाबर द्वारा सफल उद्योग, पूछ रहे देश का प्रथम सफल उद्योग स्थापित कहाँ हुआ, तो मुंबई। और देश का वैसे प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो फोर्ट ग्लैस्टर कलकत्ता में, लेकिन ध्यान रहे ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में आगे बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों की, क्योंकि अभी ये इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कोई फंसाने वाले प्रश्न नहीं है। पूछ रहे हैं कि मुंबई के बाद भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है। मुंबई के बाद सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग नगरी, तो ध्यान रहे प्रश्न बढ़ा देते हैं। भारत में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग नगर कौन सा है? मुंबई। लेकिन मुंबई नहीं आए और दूसरे नंबर पर पूछें दूसरा बड़ा कौन सा है, तो दूसरा बड़ा बताना आपको अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? मुंबई तो है महाराष्ट्र की राजधानी, ध्यान रहे महाराष्ट्र की राजधानी है। अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, लेकिन गुजरात में साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है ये अहमदाबाद। दूसरा बड़ा वस्त्र नगर शहर है, ध्यान रहे। इसके बाद में आगे की बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं बताओ? अहमदाबाद मैनचेस्टर शहर है, वो ब्रिटेन में है और ब्रिटेन में वहाँ के कपड़े, क्योंकि वो औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ के कपड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वो कपड़े यहाँ पर अपने बेचा करते थे सस्ते में। अब उसकी तुलना करें तो ध्यान रहे अहमदाबाद आएगा उस तुलना में भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि वस्त्र उद्योग की तुलना की गई है यहाँ पर, तो किसको कहा गया है, तो वो है अहमदाबाद को। और जापान का मैनचेस्टर, ध्यान रहे ये विश्व की बात करें तो अपने इतनी गहराई तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसको मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ में, क्योंकि फिर ये पूरी हो जाएगी किताब अपने संसाधन से संबंधित। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में शुरू हुई थी, क्या है इसके तहत जो युवा लोग हैं ना, युवा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर कौशल युक्त बनाना, अर्थात कोई किसी कौशल का ज्ञान दे देना तो वो सफल हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मोबाइल सुधारना है या फिर कोई और विशेष काम सिखा देना, मिस्त्री बना देना, कपड़े सिलना सिखा देना, इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये प्रशिक्षण दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कब चली थी 2015 में, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। विश्व की जनसंख्या 1999 में कुल कितनी थी, तो ध्यान रखें 1999 6 अरब हो गई, 6 अरब जनसंख्या 1999 होगा, लगभग 7 अरब के आसपास जा रखी विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व विश्व में यानी मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई 1 किलोमीटर लंबाई है ना, अगर उसको गुणा करेंगे तो वो वर्ग किलोमीटर आ जाएगा, नहीं चौड़ाई लंबाई, 1 किलोमीटर दूर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, उस क्षेत्र में कुल कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ध्यान रहे 51 व्यक्ति। विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए ध्यान रहे भारत का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, विश्व का है 51, भारत का 382, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, इस पर रोक लगाना
आसान नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिसमें एक एक जो कहें तो परिवार में लगभग 10-10, 15-15 बच्चे हैं, तो इनको या तो शिक्षा देनी पड़ेगी या उनको जैसे कोई कानून लागू करके इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के लिए बहुत खतरे की घंटी बज जाएगी। जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या क्या है? एक तो देखो जन्मदर, तीन ही तो कारण है जन्मदर, दूसरा कारण है मृत्युदर। देखिए जन्मदर अधिक हो मृत्युदर कम हो, यानी मान लीजिए कि 1000 लोगों पर 20 व्यक्ति जन्मे, 20 बच्चे जन्मे और मरने वाले 10 ही थे, 10 फालतू हो गए, तो जनसंख्या वृद्धि होगी कि नहीं होगी? परिवर्तन तो होगा। या पहले मान लीजिए मृत्यु ज़्यादा हुई और जन्म कम हुए तो भी परिवर्तन होगा, पर यहाँ वृद्धि का कारण नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा जनसंख्या परिवर्तन के कारण। परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? देखिए प्रवास ये होता है कि एक व्यक्ति मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, वो प्रवास कहलाता है। ये प्रवास है बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कि किसी क्षेत्र के लोग हैं वो आने जाने को, यानी एक एक जगह से दूसरे आने जाने के लोगों को वो क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? कई बार पूछा जाता है, जीवन प्रत्याशा है ये होती है किसी देश की औसत जीने की उम्र, जैसे भारत की है वो लगभग 66 साल एक व्यक्ति जीता औसत, ये जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा कि भारत की औसत है, एक व्यक्ति 67 साल जीता लगभग, तो ध्यान रहे कोई जैसे ज़्यादा जीता है, कोई 100 साल भी जीता है, कोई 15 साल भी जीता है, तो इसकी औसत निकाली गई है, औसत बात करते हैं जीवन प्रत्याशा। इस प्रकार से ये कक्षा 8 का संसाधन एवं विकास का पाठ पूरा का पूरा हो गया। अब इस किताब को आपको लाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बिल्कुल निष्कर्ष निकाल के दे दिया है, और अब सब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि इसको शेयर करें जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आप जब इतना पढ़ लिया, मैंने इतनी मेहनत की, तो आप शेयर तो कर सकते हो, आप इतना तो फर्ज बनता है। साथ में नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ कि आपने पढ़ा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको, और एक दूसरे बच्चों को तो पढ़ने वालों को बताएं कि इस प्रकार से आप कक्षा 8 की किताब है वो बड़ी आसानी से आप आराम समझ सकते हो। लॉकडाउन मान लीजिए स्कूलें नहीं खुल रही, तो स्कूलों में नहीं खुल रही तो सामने है ना आपके, पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मोबाइल तो होगा ही, पड़ोसी से पढ़ लो। थैंक यू, धन्यवाद।